एक साथ फिजिकली बैठने का अवसर प्राप्त हुआ है। लॉकडाउन के बाद ये आज फिजिकली इतनी बड़ी मात्रा में सभी मंत्रीगण कैबिनेट स्तर के लगभग 19 मंत्री इस बैठक में आज यहां पर उपस्थित हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मंत्रीगण हमारे अभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गृह जनपद में हैं। लेकिन जो मौजूद थे, ऐसे 19 मंत्रियों के साथ आज हमने चर्चा की है कि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद की स्थिति क्या होगी, इन सब पर व्यापक चर्चा हुई है। सबने इस बात को महसूस किया है कि भारत जैसे 130 करोड़ की विशाल आबादी के देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समयबद्ध ढंग से लिए गए निर्णयों के कारण वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी मदद मिली है, और आगे भी हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस पर भारत सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन लॉकडाउन के संबंध में बनती है इसका अनुपालन करना चाहिए। इसी में प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए यही सबसे उपयुक्त मार्ग है, और इस पर सभी ने इस बात को भी चर्चा की कि लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, उत्तर प्रदेश में 2,34,00,000 किसान इससे सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं, 3,46,00,000 से अधिक जनधन जो खातेदार थे ऐसी महिला लाभार्थी इससे लाभान्वित हुई हैं, जिन्हें 500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध हुए हैं, और किसानों को 2,34,00,000 किसानों को 2,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में देने की सीधे व्यवस्था हुई है, ये मिला है। इसके साथ ही कोरोना के उपचार के लिए और इस पूरी व्यवस्था में कोरोना योद्धा के रूप में जो स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी कार्य कर रहे हैं, भारत सरकार ने केंद्र के हों, प्रदेश के हों, उन सभी कर्मियों को 50,00,000 का बीमा कवर भी दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर जो लोग छूटे हुए थे उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50,00,000 का बीमा कवर हम लोगों ने भी प्रदेश से उन लोगों को उपलब्ध कराया है जो केंद्र सरकार के उसमें छूट गए थे, खासतौर पर पुलिस है, होमगार्ड है, या जो अन्य सफाई कर्मी थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश से उसको कवर करने की व्यवस्था की है, और सभी ने इसको एक उससे बहुत अच्छे ढंग से इसको स्वीकारा भी है। साथ ही साथ प्रदेश में 20,00,000 निर्माण श्रमिकों को, जो भी पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले कुली हैं या फिर पल्लेदार हैं, रिक्शा ई रिक्शा विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए धोबी है, मोची है, नाव है, इस प्रकार की जो 15 कैटेगरी से जुड़े हुए कामगार हैं, ऐसे 15,00,000 लोगों को भी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने की है। और प्रदेश में अब तक हम लोग 3,54,00,000 से अधिक ऐसे परिवार जो प्रदेश के अंदर रहते हैं, उन परिवारों में हम लोगों ने निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पहले चरण की संपन्न कर दी है, और 15 से फिर से हम इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध ढंग से भारत सरकार के मार्गदर्शन में कदम उठाए गए कदमों को सभी लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया है, लेकिन आगे के लिए भी इसी सतर्कता के साथ कार्य करने की पूरी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और इस दिशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ चीजों पर चर्चा की थी, खासतौर पर पहली बार जब उन्होंने वीसी की थी मुख्यमंत्रियों के साथ, तब उन्होंने इस बारे में कहा था, देश के नाम पर अपने संदेश में इस बारे में कहा था कि हमें जनता कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड और उपयोग को वहां पे उपयोग में लाया है, कहा उन्होंने जान भी और जहान भी, हम लोगों की जान को भी बचाएं
कोरोना वायरस के संक्रमण को तो हमें रोकना ही रोकना है, लेकिन साथ साथ हमें उन सामान्य कार्यों को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी है, जिससे एक सामान्य कामकाज भी इस रूप में आगे बढ़ सके कि कहीं भी कोई समस्या ना आने पाए। और इस दृष्टि से आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तत्काल कुछ कमेटियां गठित की हैं, जो 15 के बाद से किस प्रकार की हमारी कार्रवाई होनी है। लॉकडाउन पर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, एक क्योंकि यही 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात को भी तय करने जा रहे हैं कि कुछ रूटीन के कार्यों को, आवश्यक सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में हम लोगों ने कमेटी उनको दी है, जिस पर वो कार्य करेंगे कि प्रदेश के अंदर उन निर्माण के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी इनके कार्य को और उसमें लगे हुए श्रमिकों को भी कुछ काम मिल सके। एक्सप्रेसवे है या फिर बड़े बड़े जो निर्माण के कार्य हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर वह कमेटी कार्य करेगी, इस पर वे कार्य करेंगे। कैसे वहां पे सप्लाई चेन भी बनती है, इस पर एक कमेटी काम करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी इस चीज को तय करेगी, पाठ्यक्रम को ऑनलाइन करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक है कि अभी स्कूल कॉलेजेज को हम खोले ना और बच्चों की पढ़ाई में बाधा भी ना पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, प्रावधिक है, व्यवसायिक है, मेडिकल एजुकेशन है, इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर इनके अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के अध्यक्षता की कमेटी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि रेवेन्यू के फ्लो को कैसे बनाया जा सके, जिससे राजस्व की कमी प्रदेश में न आने पाए। एक दूसरा, औद्योगिक विकास के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में भी हम लोगों को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर एक कमेटी औद्योगिक विकास के साथ और एमएसएमई सेक्टर के साथ मिलकर के उन दोनों विभागों के मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ करके इस कमेटी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है, खेती किसानों की तैयार है, कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, यद्यपि 4,700 से अधिक कंबाइन मशीन आज के समय में प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया जा चुका है, फिर भी कहीं कोई समस्या ना होने पाए, इसको हम मनरेगा के साथ जोड़कर कैसे कार्य कर सकते हैं, यह कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। और साथ साथ प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें, खेत में ही या किसान के घर से ही अगर हम खरीदारी कर सकें, लेकिन एमएसएमई जो एमएसपी से कम लाभ यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लाभ किसान को न मिले, उससे कम दाम न मिले, इस चीज पर हम लोग पूरी कड़ाई लागू करें। इसके लिए एफपीओस को वहां पे भेजना या अन्य कंपनियों को वहां पर अलाउ करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्य हो, इस पर भी यह कमेटी, कृषि मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी कार्य करेगी। प्रदेश के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को आगे बढ़ाने, मेडिकल कॉलेजेज हैं, चाहे वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हों, निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेज हों, सरकारी हॉस्पिटल हों, निजी हॉस्पिटल हों, कोरोना संक्रमण को रोकना, हर हाल में रोकना, इसके लिए मेडिकल टीम को बचाना, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग का स्टाफ है, जितने टेक्नीशियंस हैं, इनको सुरक्षित रखते हुए कैसे हम इनको प्रशिक्षित करें, कैसे हम इन्हें पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट उपलब्ध करा करके इमरजेंसी सेवाएं जैसे डायलिसिस की सुविधा है या कीमो की सुविधा है, रेडियोथेरेपी की सुविधा है, या फिर कोई गंभीर पेशेंट आ चुका है, वह कार्डियक का पेशेंट हो सकता है, न्यूरो का पेशेंट हो सकता है, इन लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता की कमेटी इस पर कार्य करके त्वरित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगी, इस पर वह कमेटी या कमेटी कार्य करेगी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए त्वरित रूप से हम इसको आगे बढ़ा सकें, इस पर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है और ये कमेटी इस पर कार्य कर रही है।
ऐसे ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे, जल शक्ति मंत्री स्वयं इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आगे भी सुनिश्चित करें कि कहीं भी पेयजल का संकट ना आने पाए, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इसके साथ बिंद क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल का संकट ना आने पाए। इस पर भी ये कमेटी कार्य करेगी, इस पर लगातार ये कमेटी अपना फोकस करेगी। ऐसे ही हम लोगों ने कुछ कमेटियों को गठित करने के साथ ही इनको व्यवस्था दी है कि कैसे हम इन चीजों को कर सकते हैं। एक चीज जिस पर ये चर्चा हुई है कि हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि 14 दिन जो लोग शेल्टर होम में रह चुके हैं उसी जनपद में हैं, उनको एक बार जांच करवा करके फिर सुरक्षित 14 दिन के होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजने की व्यवस्था हम करें। खाद्यान्न की आपूर्ति उनको लगातार हो, इसके बारे में खाद्यान्न का पैकेट भी उनके साथ ही वहां जाएगा। ये चीजें हम तत्काल रूप से लागू करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल ये महत्वपूर्ण तिथि है और इसमें हम लोगों ने अनुरोध किया है कि 13 और 14 को खासतौर पर खालसा पंथ की स्थापना, हमारे सिख पंथ से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं उनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। सबसे अपील की गई है कि हम लोग कोई भी पब्लिक फंक्शन न करें, आयोजन अपने घरों में रह करके अकेले करें। ऐसे ही बैसाखी का कार्यक्रम है, कोई भी पब्लिक फंक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना का एक ही उपचार है, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसका अनुपालन हर हाल में हो, इसको हम लोग इसको लागू कर सकें। तो एक चौथा इसके बारे में एक और चीज है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती का कार्यक्रम पड़ेगा, तो उनकी पावन जयंती के अवसर पर सभी मंत्रियों से, सभी अधिकारियों से, सभी जनपदों से इस बारे में कहा गया है कि कार्यालय में केवल अकेले ही पुष्पांजलि का कार्यक्रम अपने वहां पर आप लोग करेंगे या अपने घर में इस आयोजन को, कोई आयोजन नहीं होगा लेकिन उनके फोटो पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो जाए, इसके बारे में करेंगे। पब्लिक फंक्शन कोई न हो, इसके बारे में अपील हर स्तर पर जारी होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था कि आगामी पर्व और त्योहार हैं, जैसे 23 अप्रैल से रमजान के कार्यक्रम पड़ेंगे, हम लोगों की अपील होगी सभी जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन सभी से और सभी धर्म गुरुओं से भी मेरी अपील होगी कि कोई पर्व और त्योहार पब्लिक फंक्शन न हो, कोई सामूहिक आयोजन न हो, क्योंकि ये आयोजन बीमारी और संक्रमण को बढ़ा सकता है, इस दिशा इसके बारे में भी किया गया है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा गया है कि 15 अप्रैल से वे अपने कार्यालयों में बैठें, सामान्य कामकाज को निपटाएं, अपने प्रभारी जनपदों में जो वहां पे शासन से जुड़ी हुई केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागीय कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था करें। विशेष सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी भी कार्यालय में आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंत्री के साथ बैठ करके प्रमुख सचिव और अन्य जो अधिकारी गण है वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किन कर्मचारियों को आना है, उसकी भी कैटेगरी ये लोग तय करेंगे। इसको हम लोग तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में आगे की कार्रवाई क्या होती है, भारत सरकार की गाइडलाइन जो आएगी उसका अनुपालन हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे, ये आज के दिन पे आवश्यक था और इसके अनुसार जो कार्रवाई हमने प्रदेश स्तर पर की है, आज की जो बैठक हुई इसमें चर्चा हुई है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर बहुत शीघ्र सभी मंत्रीगण एक बार फिर से बैठ करके प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के हित में जो भी आवश्यक कदम होंगे उन कदमों को उठाएंगे और उसके अनुसार फिर हम लोग कोरोना वायरस के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को भारत लड़ रहा है उस लड़ाई को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद जी।